बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे बेबी गर्ल्स शूज़ डिज़ाइन। मैंने फैंसी कपड़े से बनाया है, आप चाहें तो सिंपल लॉन का कपड़ा ले सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास फैंसी कपड़ा है और ये मैंने पैटर्न कट कर लिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी का पेज स्क्रीन के ऊपर रखकर इसको ट्रेस कर लें। अब ये चेपी है, इसके अंदर से मैं दोनों के डबल पीसेस काट लूँगी। जो नीचे वाली साइड है उसके मैंने 4 पीसेस कट किए हैं चेपी के अंदर से, ऊपर वाले सिर्फ 2 ही किए हैं। अब इसको मैं फैंसी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। जो कपड़ा ऊपर की तरफ नज़र आएगा उसके ऊपर पेस्ट करना है इन्हें। साइडों से सिलाई छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। ये वो कपड़ा है जो इसके अंदर की साइड में लगेगा। इसके अंदर से भी पीसेस कट कर लिए हैं इस साइज़ के, और अंदर की साइड में मैंने चेपी पेस्ट कर ली है। अब इसके अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, यहाँ से शुरू करते हुए इस किनारे तक। अंदर से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगी और दरमियान में कट लगा लेने हैं ताकि इजीली ये सीधा हो जाए। अब ये जो इसकी बैक साइड है, आप चाहें तो ऊपर रख कर सिलाई लगा लें। मैं इसके अंदर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये जो सिलाई है ये बिल्कुल किनारे पर रख कर लगानी है ताकि ये अंदर से मोटा ना हो। इधर से डबल कर लिया है सिलाई को। अब ये जो अंदर की साइड है इसकी नीचे वाली, इसके साथ रखना है चेपी के ऊपर ऊपर रखकर दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई इजीली लग जाएगी। ऊपर से शूज़ को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको बिल्कुल साथ रखकर इसके भी किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई थोड़ी सी छोड़ देनी है, उधर से मैं शूज़ को सीधा कर लूँगी। सिलाई बिल्कुल चेपी के साथ रख कर लगानी है, नीचे से भी और ऊपर से भी। जिधर से सिलाई को छोड़ा है उधर से डबल भी करना है दोनों तरफ से। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो मैंने सिलाई छोड़ी है इधर मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। ये धागा गोल्डन कलर का है। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दूसरी साइड का मैंने कर लिया है।
अब इसके ऊपर मैं बटरफ्लाई बनाकर लगाऊंगी। आप चाहें तो सिंपल छोड़ सकते हैं या फिर इसके दरमियान में रखकर अलग से तनी लगा सकते हैं। जितनी मैंने बटरफ्लाई बनानी है उतना कपड़ा ले लिया है, चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली है, दरमियान से इसे काटना है और सीधा कर लेना है। डोरी मैंने अलग से तैयार कर ली है जो इसके ऊपर लगेगी। निडल के साथ 6 से 7 दफ़ा इसके अंदर से गुजारते हुए प्लेट डल गए हैं। अब इसके ऊपर मैं ये डोरी रख लूँगी। अंदर की साइड से ये निडल के साथ पक्का कर लेना है और धागे को तोड़ना नहीं है। इसी धागे के साथ अब मैंने शूज़ के साथ अटैच कर लूँगी।